बनाएंगे मक्के के आटे की कचौड़ियाँ। ये आजकल सर्दियों में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं, बहुत जल्दी बन जाती हैं। मक्के के आटा की कचौड़ी बनाने के लिए हम लेंगे उबले हुए आलू, मक्के का आटा, हरा धनिया कटा हुआ, कटी हुई हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, नमक और हींग। पहले हम आलू को मैश कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें हम जीरा, लाल मिर्च पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया, हींग, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब ये आलू हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम तैयार करेंगे मक्के का आटा। मक्के के आटे को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, हमारा मक्के का आटा तैयार हो चुका है। इसको हमने थोड़ा मुलायम सा तैयार कर लिया है। अब हम इसकी कचौड़ियां बनाएंगे। इसको हम हाथ में थोड़ा पानी लगाकर इस तरीके से बना लेंगे। इसको पानी लगाकर हाथ से ही बनाते हैं। ये कचौड़ी हमारी बनकर तैयार है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तेल को हमने पहले ही गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, जो अब गर्म हो गया है। अब इसमें कचौड़ी को फ्राई कर लेंगे और हम एक ही एक कचौड़ी बना के फ्राई करेंगे। हमारे मक्के के आटे की कचौड़ियां बनकर तैयार हो गई हैं। ये सर्दियों में बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। इनको आप दही, सब्जी, चटनी, अचार किसी के भी साथ खाइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।